हेलो दोस्तों, आज आप जो गल कर रहे हैं अपने 10th क्लास दे 8th चैप्टर ट्रायगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति दी गल कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म दे विच मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मल्टीपल क्वेश्चंस दे लई आपां नूं इस चैप्टर नूं थोरली पढ़ना पैना है। आपां टॉपिक से गल करते हैं त्रिकोण दा माप जो ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि अपने को कई टाइप्स या त्रिकोणस होंदिया ने ट्राइंगल्स होंदिया ने, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्पेशली जो कंसर्न है वो समकोणी त्रिकोण नाल कंसर्न है, राइट एंगल नाल, या कोई भी ट्रायंगल जिसका आप परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या लंब नूं ड्रॉ कर सकते हुए उत्थे आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो कहन दा मतलब ट्रिग्नोमेट्री लिए आप लंब चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो वह समकोणी त्रिकोण है या होर कोई भी त्रिकोण जिथे आप लंब नूं खिंच सकते हैं। टोटल इतने अपने को 6 त्रिकोण मिति अनुपात चलते हैं, टी रेशोज चलदिया ने, जिसनों आप त्रिकोण मिति अनुपात बोलते हैं। साइन कोसाइन टेंजियंट को टेंजियंट सिकेंट को सिकेंट शॉर्ट फॉर्म च आप लिखते हैं सिन कॉस टैन कॉट सैक को सैक। यह अपना टॉपिक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिहड़िया ये छे त्रिकोण मिति रेशो ने, यह असल दे विच कोण दियां ने, एक एंगल दियां ने। अगर मैं इत्थे एंगल थीटा ले लिया सपोज, तो जिहड़े छे रिलेशन है ये इस एंगल दे रिलेशन है अकॉर्डिंग टू साइड्स। किवें साइन कल्ला टर्म नहीं हैगी, एक्चुअली टर्म अपने कोले साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सैक थीटा कॉसैक। कई बार अपने माइंड से होंदा है कि जो साइन थीटा है ये साइन मल्टीप्लाई थीटा, ये गलत है। रीजन, ये सिंगल टर्म है, इहदा असल मतलब की है साइन ऑफ थीटा, थीटा दा साइन अनुपात, इहदा एक्चुअल मतलब यह है। ये साइन मल्टीप्लाई थीटा नहीं हैगा, ये थीटा दा रेशो है। सेम अगर आप बाकी 6 त्रिकोण मिति अनुपात की गल करांगे, तो एक इस तो पहला मैं गल होर करूँगा जो तुहानू क्लीयर होनी चाहिए है। अगर आप ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता थीटे नूं इत्थे लै लैन, हो सकता थीटा इत्थे लै लैन, तो जिहड़े कोण दी गल करनगे उहदे सामने वाली भुजा नूं आपां हमेशा परपेंडिकुलर मन के चलांगे, लंब मन के चलांगे। अगर इत्थे गल कर रहे हैं तो आह परपेंडिकुलर है, आह लंब है, तो दूसरा की बन गया आधार B बन गया बेस, तो आधार बन जू, क्योंकि जो करण है हाइपोटेन्यूज है उहदे उत्ते कोई चेंज नहीं आता, चेंज सिर्फ लंबे आधार पर आना है। तो जिहड़े कोण की गल है वह करते हैं ओपोजिट साइड, जिहड़ी सामने वाली भुज है उहनूं आपां लंब कंसीडर करांगे। द साइड ओपोजिट टू द गिवन एंगल इज कंसीडर्ड एज परपेंडिकुलर। हुण जो रिलेशन है साइन कॉस टैन कॉट सैक कॉसैक का, वह की है? साइन कॉस टैन कॉट सैक थीटा कॉसैक थीटा। साइन है P/H, लंब वटा कर्ण, कॉस B/H, आधार वटा कर्ण, टैन P/B, लंब वटा आधार। मैं सोनू सिर्फ यह कहूँगा तीनों याद रखो, बाकी 6 याद रखने की जरूरत नहीं हैगी। तो ये याद करने का तरीका आप किता होया है, अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग गल करिए PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली। अगर पंजाबी दे अकॉर्डिंग गल करिए तो अपने को लक्की अक लिया, इसमें भी आप याद कर सकते हैं। उस तो बाद साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन P/H, कॉस B/H, टैन P/B, साइन लक्की लंब वटा करण, कॉस अख आधार वटा करण, टैन थीटा लिया लंब वटा आधार। ठीक, तुसी सिर्फ आ तैनू याद रखना है, क्योंकि उस तो बाद
कॉट थिट्टा टैन थिट्टा का उल्टा है, ए बी बाई पी हो गया, तो ए हो गया आधार वटे लंब। सैक थिट्टा कॉस थिट्टा का उल्टा है, ए एच बाई बी हो गया, ओ हो गया कर्ण वटे आधार। कॉसैक थिट्टा साइन थिट्टा का उल्टा है, एच बाई पी, ओ हो गया आधार वटे लंब। तो तीनों नूं याद करांगे, बाकी तीन दे की ने रेसिप्रोकल ने। एक गल आ इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना कि जिहड़े कोण की गल करते हैं उहदे ओपोजिट साइड नूं आपां की लैके चलांगे, लंब परपेंडिकुलर। हुण क्योंकि साइन ते कोसेकेंड एक दूजे दे रेसिप्रोकल ने, तो कोसैक थिट्टा नूं आपां एक वटे साइन लिख सकते हैं, तो एक वटे साइन नूं एक वटे कोसैक, या जदों इन्हां दोहां दी मल्टीप्लाई करांगे गुणा करांगे वो की आ जाना है, वन आ जाना है, क्योंकि एक दूजे के उल्टे है। सेम सैक की हुंदा है, कॉस का उल्टा है, या कॉस थिट्टा ते सैक थिट्टा की मल्टीप्लाई की है, वन है। कॉट थिट्टा टैन थिट्टा का उल्टा है, सारे मल्टीपल क्वेश्चन ने जो मैं तुहानू दस रहा इत्थे जो बनते हैं अपने एक्सपैक्टर, ते टैन ते कॉट की जो मल्टीप्लाई है वह की होगी, वन होगी। एक रिलेशन होर है अपने कोले टैन का, और रिलेशन की है, टैन थिट्टा इज साइन थिट्टा बाय कॉस थिट्टा, एक रिलेशन है। तो अगर आप कॉट की गल करिए, क्योंकि कॉट टैन का उल्टा है, तो यह की हो गया कॉस बाय साइन। तो जिहड़ा यह रिलेशन दिते है मैं तुहानू, इस सारे दे सारे अपने ट्रिग्नोमैट्री दे टी रेशोज त्रिकोण मिति अनुपात दे नाल कंसर्न ने सारे, जिसकी आप गल करते हैं। हुण एग्जाम दे विच अगर आप गल करिए क्वेश्चन किवें बनते हैं, देखो बड़िया टाइप्स ने। वेरी फर्स्ट इज तुहानू एक ट्रैंगल देती, कोई भी एक त्रिकोण देती, तीन चार पांच, इत्थे लिख सकते हैं साइन आर पता करो, कॉस आर पता करो, टैन आर पता करो, या साइन पी पता करो, कॉस पी पता करो, टैन पी, कॉट सैक, वो कोई भी कह सकते हैं। हुण साइन की सी परपेंडिकुलर बाय एच, लक्की लंब वटे करण, आर आ रहा, आर दे सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी, ए आधार हो गया, ए करण हो गया, तो पी बाय एच लंब वटे करण, तीन वटा पांच आंसर आ गया। कॉस बी बाय एच आधार वटा करण, आधार चार हो गया, करण पांच हो गया। टैन पी बाय बी लंब वटे आधार, तीन वटे चार। सेम जो कॉट कहेंगे, कॉट एदा उल्टा है, चार बाय तीन, सैकार कहेंगे एदा उल्टा है, पांच बाय चार, कॉसैक कहेंगे पांच वटा तीन, तो इस अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज बन जाएंगी। हुण मैं पी की गल कर रहा, डायग्राम दोबारा बना रहा, क्योंकि जो पी की गल करांगे, पी दे लई आ लंब है, आ परपेंडिकुलर है, आ आधार हो गया बेस, आ करण हो गया। हुण साइन की है, लक्की लंब वटे करण, या पी बाय एच, तो फिर आ बन गया लंब चार वटे पांच। कॉस बी बाय एच आधार वटा करण, यह हो गया जी तीन वटा पांच। टैन पी बाय बी लंब वटे आधार, यह हो गया चार वटा तीन। सेम आप कॉट सैक ते कॉसैक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह, दूसरे क्वेश्चन की अगर आप गल करिए, इतने तो जिमें आप तीनों साइड्स दित्तिया सी, हो सकता है आपां नूं दो दे देन, इतने देता बारह ते तेरह, इट माइट बी पॉसीबल। वो की कहेंगे जी, साइन सी कॉस सी, मैं हूँ उही फिर दोबारा क्वेश्चन लै रहा, फर्क की पै गया, इतने तीनों साइड्स की गल की है, इतने मैं दो की गल की है, तो पहला आपू कटा किमें पाइथागोरस का, आ करण हो गया, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर लंब प्लस बेस आधार, सॉल्व करांगे जो आप, मैं डायरैक्ट लिख रहा, सॉल्व करके अपने को 25 आ गया, 5 दी 2, तो जो बेस आ गया फिलहाल इस ट्रैंगल के लिए आधार आ गया वह 5 आ गया। हुण सी की गल चल रही है, ये बहुत जरूरी है, सी आ रहा, तो सी दे लई लंब या परपेंडिकुलर की बन गया 12, आधार या बेस की बन गया 5, करण या हाइपोटेन्यूज की बन गया 13, तो साइन की हो गया पी बाय एच 12 बाय 13, कॉस बी बाय एच 5 बाय 13, टैन पी बाय बी 12 वटा 5, कॉट टैन का उल्टा, सैक कॉस का उल्टा, कॉसैक
साइन का उल्टा। तो इस तरीके आप सॉल्व करांगे। नैक्सट या क्वेश्चन की आंदा, जे साइन थिटा 5/13 है तो टैन थिटा पता करो। इफ साइन थिटा इज 5/13 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थिटा। हुण इत्थे देखो थिटा किते भी मैनशन नहीं हैगा, तो आप कोशिश करते हुए हमेशा हॉरिजोंटल लेके चलते जो लेटवें पासे होंगे। तो साइन थिटा आ गया जी 5/13, यह होंगे पी एच या आप बोल सकते हैं लंबकरण। तो डायरैक्ट लिखांगे इत्थे नॉर्मल, तो आप 5x 13x लेके चलते हैं क्योंकि यह मल्टीपल क्वेश्चन है तो आप एक्स चक्कर नहीं पावे, आप डायरैक्ट लिख के चलेंगे। देख हाइपोटेन्यूज 13, हुण पाइथागोरस नाल आप इस नूं कढ़ना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर परपेंडिकुलर स्क्वेयर करण की दो लंब की दो प्लस आधार की दो बी आ गया 169/25 ते बी की दो आ गया जी 169-25 144 तो बी 12 आ गया। हुण आपां नूं की कहा इन्हां ने टैन थिट्टा, टैन हुंदा पंजाबी दे अकॉर्डिंग लक्की अकल्या लंब वटे आधार या पी बाय बी। पी आ गया 5, आधार आप सॉल्व कर चुके हैं 12, तो ये अपने को ले की आ गया आंसर आ गया। तो यह सी इहदा पहला टॉपिक जे आप गल करिए ट्रिग्नोमैट्री रेशो त्रिकोणमितीय अनुपात। हुण आप जिहड़ी गल करते हैं आप दूजे टॉपिक ते गल करते हैं। दूसरा टॉपिक है इहदा टी टेबल तिकोण मितई टेबल। इहनू बनाउण दे बड़े तरीके ने, लेकिन आप जो स्टैंडर्ड अपनी किताबां चल रहा आप उसते गल करांगे। आप जो है अगे 5 वैल्यूज से गल करते हैं 0, 30, 45, 60, 90 साइन कॉस टैन किवें करांगे। अपने कने लिखो 0, 1, 2, 3, 4 चार नाल डिवाइड किया उस तो बाद अंडर रूट, यह साइन की कीमत है। इनू हल करते हैं 0 नू किसे नाल भी वंडीए 0, 1 दा अंडर रूट 1, 4 दा 2 ये कट गए, 1 दा 1 2 दा ये अंडर रूट 3/2 ये कट गए। तो यह मतलब साइन 0 की कीमत 0, साइन 30 की कीमत 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 अंडर रूट 3/2, साइन 90 1। कॉस नू उल्टा लिखना शुरू कर दो 1 अंडरूट 3/2 1/2 1/2 0 टैन। हुण टैन हुंदा अपने कोले साइन 1/cos 0/1 0 कल्ले अंश नाल न्यूमीरेटर डिवाइड कर दो कारण हर कैंसल हो ही जाएंगे। तो यह आ गया जी 1/√3 1/1 1 √3/1 √3 1/0 परिभाषित नहीं क्योंकि यह जी कोई भी संख्या नहीं हैगी जिदे नाल आपां इहनू लिख सकीए 1/0 नूं आपां दस सकीए कि यह अपना केड़ा आंसर है। तो यह सी अपने कोले टेबल। हुण कॉट इहदा उल्टा देखो तो भी 0 दा उल्टा परिभाषित नहीं नॉट डिफाइंड, इहदा उल्टा √3 1/√3 एदा उल्टा 0। सिकेंड किस दा रेसिप्रोकल है कॉस दा 1/√3 √2 0 दा आ गया परिभाषित नहीं नॉट डिफाइंड। कॉसैक साइन दा उल्टा 0 दा आ गया जी नॉट डिफाइंड परिभाषित नहीं 1/2 दा 2/1 √3 2/√3 1। तो ये अपनी की आ गई टेबल वैल्यू आ गई। नॉर्मली मैं तुहानू सिर्फ ये कहूँगा तुसीं पहलियां तीनों याद रखनी है साइन कॉस टैन सिर्फ, बाकी नूं आपां उहदे एज ए उल्टा याद रखांगे। हुण देखो एग्जाम च जो क्वेश्चन बनते हैं अपने छोटे छोटे क्वेश्चन इस टॉपिक के बनते हैं, जिमें मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा जेकर साइन थिटा 1/√2 है तो थिटा बराबर, इफ साइन थिटा इज दिस थिटा कि बराबर है तो जो उरे साइन थिटा दिता है तो आप साइन दे विच चैक करांगे 1/√2 वैल्यू टेबल चैक करके देखो कि आ रहा है, यह साइन 45 आ रहा है।
45 तैयार है ना। हुण इत्थे एक रिजल्ट है, आपां रिजल्ट दी गल करदे आ। रिजल्ट की है, जेकर साइन ए बराबर है साइन बी, कॉस ए बराबर है कॉस बी, कहण दा मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होवे, टी रेशो होवे, मैं तीन लिखे ने इत्थे, छेआं चों कोई भी हो सकदा। तो इत्थे जे मैं लिखा दोनों टी रेशोज बराबर ने, मतलब जे त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होन, इफ टी रेशोज आर सेम, देन एंगल भी की होंगे बराबर, तो एंगल्स आर आल्सो सेम। इत्थे नू कटना नहीं हैगा, ये गलत है। क्यों? फर्स्ट आपां गल कीती सी, ये मल्टीप्लाई नहीं हैगा, ये सिंगल टर्म है। तुसी सीधा लिख दियो बस। याद की रखना है, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर ने, जे टी रेशो सेम है, तो एंगल भी की होंगे सेम। तो आंसर की आ गया, थीटा बराबर है 45 डिग्री। होर एग्जाम्पल देखो, जे टैन थीटा एक वटे अंडरूट तीन है तो थीटा, इफ थी टैन थीटा इज इस। हुण टैन दे विच ये वैल्यू कित्थे स्टैंड करती है, चैक करो टेबल दे विच, ये 30 ते है, तो थीटा किन्ना आ गया 30। या मैं छोटा जा चेंज होर कर रहा, जे कॉस 2 थीटा बराबर रूट 3/2 है तो थीटा। हुण ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 थीटा है, इहदा मतलब एंगल दे विच मल्टीप्लाई है, थोड़ी बहुत टर्म जो तो यूज कीतियां होई है। तो कॉस दे विच ही आपां इहदी वैल्यू चैक करांगे, ए वैल्यू कॉस दे विच किन्ने ते है, 30 ते है। कॉस नाल कॉस त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है, एंगल बराबर है, 2 थीटा 30 आ गया जी, थीटा दी वैल्यू 15 हो सकता है, क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये अपने टेबल चो क्वेश्चन निकलते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होर है, ये की है, जदों आपां साइन ते कॉस की गल करते हैं, स्पैशली इन दोहां दी, तां तुसीं टेबल चैक करके देखो इहदियां वैल्यूज़ ने, मतलब साइन की वैल्यू 0 ते 1 के विचकार है, क्योंकि आप 10th ते गल कर रहे हैं हाले, तो इहदा मतलब की है, साइन ते कॉस की मैक्सीमम वैल्यू वो वध जिहड़ा इहदा मुल है वह 1 हुंदा है, याद रखियोगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सीमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन या कॉस का वो वध मुल की हो सकता है। तो इतने क्वेश्चन लिख रहा मैं, एक मल्टीपल थोड़ा जहा वधिया जिहा क्वेश्चन, हेठां लिखियां विचों विच ऑफ द फॉलोइंग केड़ा साइन थीटा दा मुल नहीं हो सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ साइन थीटा। आप ऑप्शन देती हैं, 1/√2, √3/2, √3, 0, मैं चार ऑप्शन देती हूँ। ठीक, इतने मैं देखो आ टेबल वैल्यू है साइन की, आ टेबल है, आ टेबल है, क्लियर है नहीं, बाकी इनू अगर सॉल्व करांगे तो ये आ गया 1.73 ऑलमोस्ट, इहदी वैल्यू 1 तो ज़्यादा है, इहदा मतलब यह साइन थीटा का मुल नहीं हैगा। मैं चॉइसिस होर चेंज कर रहा, क्योंकि इहदा टेबल वैल्यू है बड़ी सौखा रहा ना याद करना आपां नूं। हुण मैं वैल्यूज़ लैके चल रहा इस टाइप के आ रही जी, आ देखो हुण 1 तो छोटा है, ये हो सकता है, आ 1 तो छोटा है, क्योंकि जो अंश है हाथ तो छोटा है, न्यूमीरेटर डिनोमीनेटर तो छोटा है, आ भी बट इत्थे देखो अंश डिनोमीनेटर तो वड्डा है, अंश हर तो वड्डा है, तो इहदा मतलब यह 1 तो वड्डा है, तो जिहड़ी चौथी ऑप्शन आ गई ये साइन दी वैल्यू नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन ते थोड़ा जिहा आपां की करना है, ध्यान रखना है। तो यह तो सी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक बड़ा लेंथी है, तो इहनूं आपां 2 पार्ट्स स्प्रिंट बना के चलांगे। तो यह सी इहदा पहला स्प्रिंट, जिस च आपां त्रिकोणमिति अनुपात अते त्रिकोणमिति टेबल की गल की, तो उम्मीद करदा तुहानूं इह चीज़ क्लीयर होई होनी है। दूसरे पार्ट च आपां जो गल करांगे ते पूरक कोणां दी अते ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ से गल करांगे। थैंक यू।